हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो श्रीराम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह, आपका फिजिक्स फैकल्टी, आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैपिलरी एक्शन, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड के अंदर, सरफेस टेंशन के अंदर का एक टॉपिक है स्टूडेंट, कैपिलरी एक्शन का डिराइवेशन। इसका क्वेश्चन कई बार स्कूल एग्जाम में आ चुका है, जिसमें पूछा जा चुका है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ असेंट एंड डिसेंट ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी। असेंट मतलब ऊपर जाना, डिसेंट मतलब नीचे आना। इस तरह से करके कई बार इसका जो क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप क्लास 11th के लिए स्टूडेंट, अगर आप क्लास 11th में हैं, तो आपके लिए हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है स्टूडेंट। स्पेशल प्लेलिस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फिजिक्स डेरिवेटिव प्लेलिस्ट, डेरिवेशन प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11th। तो इसमें क्लास 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सब आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और स्टूडेंट, उसी क्रम में आज 25वां डेरिवेशन है। इससे पहले हमने 24 डेरिवेशन किए स्टूडेंट, जो पहले चैप्टर से लेके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सबको हमने एक प्लेलिस्ट के अंदर किया है। उस प्लेलिस्ट को अगर आप चेक करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और स्टूडेंट, अगर आप सिस्टमेटिक वे में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का भी लिंक मिलेगा, जो श्रीराम एजुकेटर्स का ऐप है, वहां पे आप जाके फ्री कंटेंट के तौर पर इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट। बस एक छोटी सी बात और, कि आप पूरा का पूरा फोकस चीजों को समझने में लगाइएगा, क्योंकि जो ये सेम चीज जो मैं यहाँ लिखूंगा, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप पूरा फोकस अपने समझने पे लगाइएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, कैपिलरी एक्शन होता क्या है? कैपिलरी एक्शन, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, इट इज द फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन साइड ए थिन ट्यूब या इन साइड ए थिन कैपिलरी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसके ऊपर बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि तो हमारा यहाँ प्राइमरी फोकस केवल डिराइवेशन को लेकर है। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि जैसे ही आप किसी भी ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये मैं ट्यूब को बड़ा बना रहा हूँ, ये पतली सी ट्यूब आप रखेंगे तभी ये फेनोमेना होगा। अगर स्टूडेंट रेडियस बढ़ा रहा तो ये फेनोमेना नहीं होगा। लेकिन अब मुझे एक्सप्लेन करना है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में एक कैपिलरी बहुत ही कम थिकनेस, कम रेडियस होगा इसका, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, कंटेनर के अंदर मैंने एक कैपिलरी इस तरह से डाल दी। अब बोलेंगे सर, कैपिलरी तो काफी बड़ी लग रही है आपकी। हाँ ठीक है, क्योंकि तो मुझे डिराइवेशन करके दिखाना है आपको स्टूडेंट, इसलिए मैंने बड़ा बनाया, अदरवाइज आप समझ सकते हैं। ये कोई लिक्विड इस तरह से स्टूडेंट फील्ड है इसके अंदर, ये लिक्विड पूरा फील्ड है ऐसे करके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, एक बात का आप ध्यान दीजिए कि जैसे आप किसी लिक्विड को किसी कैपिलरी के अंदर डालते हैं, एक इस तरह से मिनिस्कस फॉर्मेशन हो जाता है। ये मिनिस्कस फॉर्मेशन हो जाता है। मिनिस्कस का मतलब, आप कभी भी देखिएगा, कोई भी अगर पतली सी कोई भी ट्यूब है, उसको आप कैपिलरी के अंदर डालेंगे, तो इस तरह से मिनिस्कस का फॉर्मेशन है। मिनिस्कस मतलब, कभी पानी वानी के ऊपर देखा होगा, ग्लास में पानी पूरा फर्क भर जाए ऊपर तक, तो इस तरह से बनता है, कर्व बनता है ना। और पतली सी ट्यूब अगर डालेंगे किसी भी लिक्विड के अंदर, तो आपको इस तरह का कर्व दिखाई पड़ेगा। डिपेंड करता है, कर्व उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसा होता है, लेकिन अभी वाले सिचुएशन में मैं मान रहा हूँ कि इस तरह से कर्व बना जब आपने कैपिलरी को डिप किया, तो होगा क्या स्टूडेंट। देखिए, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट के बराबर है। पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब लिक्विड के टॉप सरफेस पे प्रेशर क्या है? पी नॉट के बराबर। यहाँ भी स्टूडेंट प्रेशर क्या है, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, तो प्रेशर क्या है? पी नॉट के बराबर। पी नॉट क्या है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन स्टूडेंट, लास्ट डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से कोई कर्व बन रहा है लिक्विड का इस तरह से कोई कर्व बन रहा है, तो इसका दो साइड हो गया, एक कॉन्केव साइड और एक कॉन्वेक्स साइड। तो जो कॉन्केव साइड का प्रेशर है, कॉन्केव, ये वाला साइड कॉन्केव साइड हो गया और ये वाला साइड कॉन्वेक्स साइड हो गया। तो इसी को जब हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था स्टूडेंट, तो हमने ऐसा पाया था कि कॉन्केव, इसी को आप बोलते हैं पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, है ना। और इसका डिराइवेशन होता है एक्सेस प्रेशर का डिराइवेशन, पिछला वाला डिराइवेशन है स्टूडेंट। अब खैर, आपको अगर नहीं पता है तो यहां से भी आपका काम चल जाएगा, बस इतना याद रखिएगा कि कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है वो कॉन्वेक्स साइड से, कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है वो कॉन्वेक्स साइड से 2t/r बड़ा होता है। कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से 2t/r बड़ा होता है। तो स्टूडेंट, इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? ये जो ठीक नीचे यहां पे लेवल है, जो मिनिस्कस के पास है, यहां का प्रेशर कितना होगा? तो स्टूडेंट, यहां का प्रेशर होगा पी नॉट माइनस 2t/r। क्यों पी नॉट माइनस 2t/r क्यों होगा स्टूडेंट? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पी नॉट मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं एक बार और। तो स्टूडेंट, पी नॉट, ये पी नॉट है, पी नॉट माइनस 2t/r, पी नॉट माइनस 2t/r। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए स्टूडेंट, मुझे कॉन्केव साइड का प्रेशर पता है, कॉन्केव साइड मतलब इधर का प्रेशर पता है, और इधर का प्रेशर निकालना है, यानी कॉन्वेक्स का निकालना है।
तो अगर यहां से आप पी कॉन्वेक्स निकालेंगे तो पी कॉन्वेक्स आएगा कितना, पी कॉन्वेक्स आएगा स्टूडेंट पी कॉन्केव, पी कॉन्वेक्स को उधर लेके चले जाइए, 2t माइनस आर को इधर ले आइए, तो पी कॉन्केव माइनस 2t बाई आर आएगा, पी कॉन्केव माइनस 2t बाई आर आएगा, आएगा ना, तो उसी का यहां पे इस्तेमाल किया। तो एक बात समझिए स्टूडेंट, सेम लेवल पे हर जगह प्रेशर कितना है, पी नॉट पी नॉट, लेकिन यहां का प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस 2t बाई आर। तो स्टूडेंट यहां का प्रेशर पी नॉट है, यहां का प्रेशर पी नॉट है, लेकिन ट्यूब के अंदर ये क्योंकि ये मेनिस्कस बन गया, क्योंकि ये मेनिस्कस बन गया स्टूडेंट ट्यूब के अंदर, देखिए यहां पे मेनिस्कस का फॉर्मेशन हो गया, तो यहां का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस 2t बाई आर। अब एक बार बताइए स्टूडेंट, यहां का प्रेशर ज्यादा, यहां का प्रेशर 2t बाई आर कम, तो यहां से लिक्विड ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी, क्यों, क्योंकि ये हाई प्रेशर हुआ, ये हाई प्रेशर हुआ, ये लो प्रेशर हुआ, तो लिक्विड ऐसे करके ऊपर जाएगी, ऐसे करके ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ने लगेगी, समझ पा रहे, ऐसे करके ट्यूब के अंदर। अच्छा कब तक चढ़ेगी, जब तक यहां का भी प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, पी नॉट के। तो इसीलिए स्टूडेंट यहां कैपिलरी का राइज होता है, और राइज करते करते लिक्विड ऊपर तक चला जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा। तो स्टूडेंट बस इतनी बात जिसको समझ में आ गई कि लिक्विड जब राइज करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने गेज प्रेशर पढ़ा है। गेज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो ये लिक्विड कितना ऊपर चलेगा, जितने में 2t बाई आर कंपनसेट हो जाए, जितने में 2t बाई आर कैंसिल हो जाए, या 2t बाई आर के जो यहां पे प्रेशर है वो मैनेज हो जाए। तो इसलिए स्टूडेंट बस जिस बच्चे को बात समझ में आ गई उसका पूरा डेरिवेशन हो गया, कि मान लिया मैंने कि h हाइट चढ़ा है इस लिक्विड ने, तो ये रो जी एच जो होगा, जो इस रो जी एच मतलब इस हाइट के चढ़ने के कारण जो प्रेशर आया, ये जो लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर आया, तो लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर आता है उसे गेज प्रेशर कहते हैं, और वो होता किसके इक्वल, वो इक्वल होता है रो इंटू जी इंटू एच के इक्वल। रो क्या होता है, लिक्विड की डेंसिटी। तो यहां से हमें पता चला स्टूडेंट कि रो जी एच जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रो जी एच किसके इक्वल होगा, 2t बाई आर के, 2t बाई आर के। ये चीज हमें पता चला कि भाई ये हाइट उतना ही चढ़ेगा जितने ये, जितने में 2t बाई आर की जो कमी हो रही थी वो मैनेज हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो ये रो जी एच यानी हाइट उतना ही चढ़ा जितने में 2t बाई आर की कमी पूरी हो जाए। तो स्टूडेंट यहां से बस हो गया डेरिवेशन हो गया, बस इतना से बात समझना था। यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 2t अपॉन रो जी आर, 2t अपॉन रो जी आर, ठीक है स्टूडेंट। h की वैल्यू जो हाइट चढ़ेगा किसके इक्वल हो जाएगा, 2t अपॉन रो जी आर। बस इसमें एक काम करेंगे स्टूडेंट कि अब जैसे यहां r क्या है, तो r इस जो ये मेनिस्कस बना, ये जो ऐसे स्फेरिकल मेनिस्कस बना, ये इसका रेडियस है। तो स्टूडेंट ये जो कर्व बना ना, ये जो कर्व बना, इस कर्व का रेडियस है, इस कर्व का रेडियस है। लेकिन स्टूडेंट हर बार हमें इस r को फाइंड करने में डिफिकल्टी होगी, तो हमने कहा कि अगर इस r को, ये जो कैपिटल R है, इसको अगर ट्यूब के रेडियस के टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं इसी को, जैसे ये R कहाँ है, तो R को जरा फील कर लीजिए, ये अगर मेनिस्कस बना है तो ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्टूडेंट, ये R है। ट्यूब का रेडियस कौन सा है, तो ट्यूब का रेडियस ये वाला है, ये वाला रेडियस आपका ट्यूब का है। मैं इसी को जूम करके बना दे रहा हूं, तो जूम करके स्टूडेंट मैं यहां बना दे रहा हूं, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आपका मेनिस्कस हो गया, ये मेनिस्कस, इसका रेडियस ये वाला स्टूडेंट आर है दोनों तरफ, क्योंकि ये आर है, और स्टूडेंट ये वाला जो रेडियस है वो किसका है, ये वाला रेडियस ट्यूब का है, ये वाला रेडियस ट्यूब का है। देखिए आर रेडियस है मेनिस्कस का, कैपिटल आर, और स्मॉल आर रेडियस किसका है, ट्यूब का। तो स्टूडेंट आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का, तो स्टूडेंट एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या कहता है, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप एक टेंजेंट खींचिए, और टेंजेंट खींचने के बाद ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है जो फ्लूट के अंदर हो, यानी इस डायग्राम आप देखेंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ये होता है फ्लूट के अंदर, तो ये थीटा होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म में बदल दूं विद द हेल्प ऑफ थीटा तो काम हो जाएगा। तो कैसे, तो देखिए स्टूडेंट ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो स्टूडेंट ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल देखिए ध्यान से, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये वाला जो चीज है और ये वाला चीज, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं जैसे आपको क्लैरिटी हो, देखिए मैं जूम कर दे रहा हूं, इधर आप इसको ध्यान दीजिए, एक मिनट, देखिए मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। तो स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए, ये वाला जो एंगल है ये अगर थीटा है, तो ये दोनों मिलके 90 है, ये दोनों मिलके 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये और ये दोनों 90 है। अच्छा ये अगर 90 माइनस थीटा है, तो स्टूडेंट ये टेंजेंट है, ये देखिए टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा होगा, तो स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो थीटा होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा, समझ आ रहा है आपको।
बस अब यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या दिख रहा है स्टूडेंट, कि स्मॉल आर है, कैपिटल आर है और थीटा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, कॉस थीटा बराबर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो इसी को स्टूडेंट मैं जूम आउट करके, अब मैं जूम आउट करके अब कर रहा हूँ, ठीक है ना, चलिए थीटा रहने देता हूँ, मैं जूम आउट ही कर लेता हूँ इसको, मैं जूम आउट कर रहा हूँ स्टूडेंट, जिससे हम वापस अपने ओरिजिनल डायग्राम की तरफ चल पड़े थोड़ा सा, 10 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग था स्टूडेंट। तो अब इसमें आपको क्या पता चला, कि स्मॉल आर बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए स्टूडेंट, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो स्टूडेंट कैपिटल आर ही तो हमको रिप्लेस करना, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा स्मॉल आर बाई कॉस थीटा। कैपिटल आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, स्मॉल आर बाई कॉस थीटा। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से एच का जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा 2t/ρg। आर की जगह क्या लिखूं, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, और ऊपर क्या चला जाएगा कॉस थीटा, ऊपर क्या चला जाएगा कॉस थीटा। तो ये जो है स्टूडेंट ये फाइनल फॉर्मूला है, ये फाइनल फॉर्मूला है आपका डिराइवेशन का जो कि है। अच्छा ये डिराइवेशन आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि राइज और फॉल दोनों के लिए, लेकिन ये तो अभी अपने राइज के लिए बताया। तो देखो स्टूडेंट मैं सिंपल बात बताता हूँ आपको, कि जब थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी जब थीटा 90 से कम होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो उस समय हाइट राइज करेगी। और जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी तो कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव, तो उस समय हाइट फॉल करेगी, जैसे कि मरकरी और ग्लास के केस में होता है, हाइट नीचे जाता है। और जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ना राइज करेगी ना फॉल करेगी, जो कि सिल्वर और वाटर के केस में होता है, ठीक है ना। तो इसमें सारे केस कवर है स्टूडेंट। इसमें एक और होता है स्टूडेंट, कि सेम लिक्विड और सेम फ्लूड के लिए एच इंटू आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि अगर लिक्विड सेम हो गया तो टी सेम हो गया, थीटा जो होता है सरफेस जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है वो म्यूचुअल प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट सरफेस और लिक्विड के बीच में। तो अगर आपने सरफेस और लिक्विड को फिक्स कर दिया तो थीटा भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक और चीज याद रखनी चाहिए, कभी कभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, एच इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर सेम फ्लूड एंड सेम सरफेस। मतलब जैसे ये ग्लास का ट्यूब है तो ग्लास ही होना चाहिए, और इसके अंदर अगर वाटर भरा हुआ है तो वाटर ही भरा होना चाहिए तब, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको सिस्टमेटिक कंटेंट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।